हेलो गाइस वेलकम टू फेसबुक बैंकिंग चैनल पढ़ाने के लिए तो मैं हमेशा आती हूँ आज मैं आपके लिए बहुत 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 मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ साथ है ज्योति यादव बी नदल पीओ क्वालिफाई पी किया वो भी बहुत बहुत नॉमिनल से टाइम में ठीक है तो पहले मैं तारीफों में जोड़ती रहूंगी जो मुझे जोड़ना है पहले मैं चाहूंगी ज्योति आप खुद अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए मैम गुड इवनिंग मैम सेल्फ ज्योति यादव आई एम फ्रॉम नवी मुंबई महाराष्ट्र तो ये मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि तीन महीने का टाइम था और मुझे इस बैंक के बारे में पता चला मेरी वीकनेस बहुत बड़ी कॉन्ट की थी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं फिर भी मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ और मैंने अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की मेरी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पूरा अच्छे से स्ट्रेट स्ट्रैटेजाइज करके फिर मैंने आर का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हो पाए थे तो उसके बाद मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि विदाउट मॉक टेस्ट मैं मैम के एग्जाम्स क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी तो उसके बाद फिर मैंने उस दिन घर आके डिसाइड किया कि शायद मोर देन वन ट्वेंटी टेस्ट है टेस्ट बुक में आईबीपीएस पीओ के तो मैंने सोचा कि जिस दिन मैं प्रिलिम्स के लिए जाऊंगी आईबीपीएस पीओ के उस दिन मैं सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही एग्जाम हॉल में एंटर करूंगी तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट हुए थे मुझे याद है अच्छे से सारे सेक्शन टेस्ट चैप्टर टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट प्रीवियस ईयर प्लस जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट आते हैं जो टेस्ट बुक अपलोड करती है मैंने उस सारे के सारे अटेम्प्ट किए थे और उसके बाद में गई थी और जिस दिन प्रलियम्स था बहुत डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई थी मेरी हालांकि मैं बहुत डर गई थी कि इतना करने के बाद भी अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो क्या होगा बट देखा जाए तो इतनी डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो शायद वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से या किस वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे कट ऑफ से टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का मार्जिन था मेरा प्रियम्स में फिर जैसे ही मेरा रिजल्ट आ गया प्रियम्स का तो मैं बहुत श्योर हो गई कि अब मेन्स के लिए बहुत अच्छे से करना है मुझे तो फिर जो मेन्स और प्रियम्स के बीच का जो गैप होता है रिजल्ट के बाद का तो उसके लिए मैं डेली मॉक टेस्ट लगाती थी फुल लेंथ के मैंने स्टार्ट कर दिए थे उससे पहले रिजल्ट जब तक आया नहीं था प्रियम्स का मैं सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाती थी रीजनिंग के मैथ के और जी के बारे में जो करंट अफेयर्स है वो प्रिपेयर कर रही थी तो जैसे रिजल्ट आया मैं डेली मॉक टेस्ट लगाती थी फुल लेंथ के मेन्थ के फिर मीन का एग्जाम हुआ हालांकि बहुत डिफिकल्ट था उस दिन कॉन्ट के मैंने बहुत मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मुझे लगा था कि मेरी सेक्शन कट ऑफ मीट हो पाएगी कि नहीं लेकिन शायद मैंने फेथ रखा अपने आप में अपनी प्रिपरेशन में और मेरा वो भी क्लियर हो गया और फिर बाद में इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया था तो ऐसे तीनों जो भी स्टेजेस थे एग्ज़ाम के तीनों में मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं अगले स्टेज तक जा पाऊंगी या नहीं लेकिन शायद कहीं ना कहीं लक के साथ साथ जो मैंने तीन महीने दिन रात मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए हैं उसने मेरी बहुत मदद की है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाई हूँ बढ़िया मतलब जो मेरे को सवाल तुमसे पूछ रहे थे मैक्सिम तुमने जवाब दे ही दिया बट फिर भी बहुत पहले मेरे को सबसे ज्यादा जो मैं सुन रही थी आपको तो मेरे को सबसे अच्छी बात आप लग, आपसे लगी कि मैंने एक डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मैं तभी पेपर में एंटर करूंगी जब मैंने सारे के सारे जितने मेरे सामने टेस्ट सीरीज है ठीक है एक, एक सबसे बड़ी बात कि आपने एक टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और उसको पूरा कंप्लीट किया हम में से कई स्टूडेंट्स मतलब ऐसे होते हैं थोड़ा सा यहाँ से देख लिया ठीक है वो छूट गया फिर से स्टार्ट करा ऐसे मतलब एक ऑर्डर में नहीं होते आपने एक का टारगेट लिया कि भाई ये मेरे पास वो टेस मुझे इनको कंप्लीट करना है इसमें सारे सेक्शनल टेस्ट भी आपने लगा दिए आपने पूरा का पूरा, पूरा फुल वो लेंथ भी लगा दिए ठीक है तो इससे तो ओबीसी बात है एक चीज और जब आपने कहा कि प्री का मेरे वाला पेपर टफ आया था ओबीसी बात है जब हम कंसर्न करते हैं फ्रेंड्स वगैरह से या YouTube पर देख लेते हैं कि क्या लेवल रह ले रहा है और अचानक से हमारी शिफ्ट मुश्किल आई तो ये जो आपने पूरी तैयारी कर रखी है ना वो एक सौ वाली वो आपको पता था स्ट्रेटेजी क्या लेके चलनी है तो सारा का सारा वो आपके लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे किस क्वेश्चन को स्किप करना है किसको पिक करना है ठीक है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आराम से चलता है uh, मैं ये पूछना चाहूंगी ज्योति आपने जैसे मेरे को इसमें ये पूछना है कि जैसे प्री और जो मेंस के मुक होते हैं वो आपने एक साथ नहीं लगाए क्या किया मतलब कैसे मैनेज किया आपने टेक्स्ट बुक सीरीज फॉलो की वो मुझे आपकी बातों से समझ में आ गया तो प्री और मेन्स के मोख को कैसे बैलेंस किया कब प्री के लगाए अब एक लाइन आपने बोले कि मैंने ना मेन्स के रिजल्ट आने के बाद सॉरी प्री का रिजल्ट आने के बाद मेन्स के मोख शुरू किए थे पहले भी तो किए होंगे यस yes, मैम yes. yes. जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के 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 बाद स्टार्ट किए थे मेंस फुल लेंथ क्योंकि उसमें जो जनरल अवेयरनेस है वो करंट अफेयर्स बेस्ड आता है yes. लेकिन रीजनिंग का हो गया और जो कॉन्ट का सेक्शन हो गया इंग्लिश का सेक्शन हो गया क्योंकि फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स का एक सेक्शन टेस्ट होता है तो ये मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिए थे और प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले भी शायद मैंने दस से बारह टेस्ट मेन्स के भी दिए थे रीजनिंग और कॉन्ट के देखने के लिए कि जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है कि नहीं या मैं पजल्स जो मेन्स लेवल के हैं वो सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं तो कुछ कुछ पजल्स थे जो बहुत मतलब होता है बाई चांस किसी मॉक में बहुत अच्छा पजल आ गया कि जैसे अगर मुझे कोई बॉक्स पजल अच्छे से आता है मेरी स्ट्रेंथ है वो आ गया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है फिर कहीं अगर थ्री वेरिएबल बेस्ड का कोई पजल आ गया है उसमें मैं अटक रही हूँ तो ऐसे मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल गया जिसके अकॉर्डिंग फिर मैंने मेरी स्ट्रैटेजी प्लान की थी कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा लास्ट के लिए फिर मुझे छोड़ना है इस तरीके से मतलब ऐसा जो जब हम लोग सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं तब एक्चुअली हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चल रहे होते हैं लेकिन जब हम तुम ये कहना चाहते हो प्रैक्टिस ही वो असली तरीका होता है एग्जाम क्रैक करने का तो टेस्ट ये के बुक में ऐसा क्या क्या खास है मतलब क्या आपको उसमें और मतलब फर्क लगता है कि क्यों हमें यही स्टूडेंट को कहूँ की रिकमेंड करूँ तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से चलना चाहिए पहले क्या कवर करना चाहिए कैसे फॉलो करना चाहिए एक एक टेस्ट लगाना चाहिए आप क्योंकि आपने एग्जाम क्रैक किया है हम लोग पढ़ा देते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज जो आप लोग फॉलो करते हैं ना वो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से यस yes, मैम uh, मैं ये बोलना चाहूंगी सारे एस्पिरेंट जो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली कि मैंने ये एग्जाम सिर्फ तीन महीने की तैयारी में क्लियर किया है प्रीलिम्स से तीन महीने पहले मैंने एकदम फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कौंट के मैंने अपने जो बेसिक्स हैं वो सारे स्टार्ट कर दिए थे बुक में सॉल्व करना ये वो लेकिन मैंने जैसे बताया कि आर आर बाद मुझे रियलाइज हो गया कि विदाउट मॉक टेस्ट आप बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एक सिलेबस आता है चैप्टर आता है आपको लेकिन आपकी स्पीड है टाइमिंग के अनुसार आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इससे टाइमिंग्स होती है इसमें तो उसके लिए आपको मॉक्स देना पड़ेगा और टेक्स्ट बुक के मॉक्स मैं बोलूंगी मैं शायद हर बच्चे को रेकमेंड करूंगी जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसमें एकदम एग्जाम हॉल में जैसा आपका एग्जाम होता है रियल एग्जामिनेशन डेज आपको घर बैठे पूरा एक्सपीरियंस मिलता है आप उसके बाद आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के सेक्शन भी दिए जाते हैं जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद जो एनालिसिस होती है रिजल्ट की वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स पे कौन से टॉपिक्स पे वर्क करना है तो जैसे ही मैं टेस्ट खत्म करती थी उसके बाद मैं देखती थी कि मेरी रैंक क्या आई है मेरी परसेंटाइल क्या आई है कभी कभी कोई टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है उसमें नाइन्टी टू नाइन्टी फोर परसेंट है मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट रहा है तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए कि अगर मेरी परसेंटाइल अच्छी है मतलब मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है लेकिन अगर पेपर में सपोज आपके सिर्फ पांच या छह क्वेश्चन गलत है लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे स्कोर रहेंगे ताकि परसेंटाइल कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग तो आप वहां पे उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को जज कर हो कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो इस तरीके से मतलब हर दिन आपने अपने आप को पर डे डे एनालाइज एनालाइज किया ये नहीं कि जस्ट टेस्ट दिया, टेस्ट दिया दिया सो जाओ नेक्स्ट अगला उसको किया बहुत बढ़िया ये चीज था आपको पता चलती रही ना आपकी क्या कमी है अब मुझे स्टूडेंट पूछते हैं मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप टेस्ट दो एनालाइज करो वो बात को सिर्फ सुन लेते हैं अगर आप लोग मतलब आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है उसने एनालाइज किया पहले आपने कर रखे थे ये तीन महीने का टारगेट आपने लिया कि मेरे को आई बीबीएसपी योगी ट्रैक करना है तो तो मैं मतलब क्या फीलिंग होती है इसके बाद जो कि क्या लगता है जब एग्जाम क्रैक हो जाता है मतलब वाइट कैसी आती है फैमिली को बहुत खुशी मिल रही होगी क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम तो है ही खुश हमने तो निकाल लिया क्रैक कर लिया लेकिन सबसे ज्यादा प्राउड हमारी फैमिली फील करती है तो कैसा लगा और जो भी एड ग्राउंड करना मैं सुनना चाहूंगी जरूर जरूर यस मैम तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो तीन महीने में मैं कर पाई ये मेरे ब्रदर की वजह से कर पाई क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया था उसको मुझे उसको मेरी मैथ की जो नॉलेज रही है टेंथ के बाद मैंने कभी नहीं किया उसको पता था तो दो दिन पहले मैं यही बात कर रही थी कि उसने मुझे चैलेंज दिया था कि मेरा ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो पाएगा मतलब उसे बोला था लिख के ले ली एग्ज़ाम नहीं हो सकता है क्लियर और जब ये एग्जाम क्लियर हो गया उसके बाद बोली कि मैंने तुझे प्रोवोक कर दिया था इसलिए तरह एग्जाम क्लियर हुआ है इस तरीके से तो आप उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था कि कैसे मतलब आपका भाई आपको चैलेंज कर रहा है कि आप एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर सकते हो लेकिन जब ये रिजल्ट आया है और मैं यहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ इसमें मतलब जो मेरी फैमिली है मैं कहना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है तो मेरे पेरेंट्स की जो मतलब हैप्पीनेस कह सकते हैं एक्साइटमेंट या जो भी है मेरे फादर का ड्रीम रहा है हमेशा से कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो नहीं थे गवर्नमेंट सेक्टर में और आज मेरी जॉब लगी तो बहुत खुश है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फेस पे जैसे हम जानते हैं फादर फिगर्स को <laughs> लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे ताऊजी हैं जिनकी वजह से मैं शायद पढ़ पाई हूँ यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मैं वरना शायद अब तक मेरी शादी हो चुकी होती कहीं पे कहीं ना कहीं फिर तो उसके बाद मेरी स्कूल टीचर्स ने मुझे एज मतलब खुद के बच्चे की तरह ट्रीट किया है ऑल माई स्पोर्ट्स टीचर्स मतलब आज भी मैं उनसे टच में हूँ तो आज भी वो मुझे गाइड करते हैं हर चीज़ में कुछ भी ज़रूरत चाहिए होती है वो हमेशा साथ रहते हैं और जब ये एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की थी तो कोई गाइडेंस नहीं थी मेरी फ्रेंड ने टेक्स्ट बुक रिकमेंड किया था कि टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल कर लो उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना तो मैंने टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल किया और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर वाइज है सेक्शन वाइज है ऐसे टेस्ट है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स हो गए आपके स्कूल टीचर्स हो गए आपको इमोशनल सपोर्ट देता है बट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें मेरी जर्नी में तो शायद पेरेंट्स भी इक्वल तो नहीं लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक्स्ट बुक का रहा है क्योंकि मैं आपको सच बताती हूँ घर बैठे मैंने तैयारी की है और मैंने एग्जाम फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियर कर दिया तो यस दैट वाज माय जर्नी कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच पाई इतने कम टाइम में तो ये मुझे भी प्राउड फील होता है जब कोई स्टूडेंट खुद अपने एंड से मैंने आपसे टेक्स बुक के बारे में वर्डिंग्स पूछी भी नहीं वो आपने खुद ऑन कर दी मैं आगे पूछने ही वाली थी कि इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत रोल है वो बता दो आपने खुद ही ऑन कर दिया डेफिनेटली इमोशनल सपोर्ट हर चीज कुछ भी पहला स्टेप लेने से लेने के लिए किसी भी चीज के लिए ठीक है हमारे पास चाहे मनी हो चाहे कुछ भी हो हमको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो फैमिली देती है वो आपको फैमिली से मिला फिर से ये होता है करना क्या है भाई जहां जा रहे हो उसका पता तो होना चाहिए क्या आपको रूट फॉलो करना है तो वो हम मेरे को लगता है वो आपको टेक्स्ट बुक में हेल्प किया और फाइनली आपको मतलब बहुत बड़ा ड्रीम एक आप कह रहे हो पहली गवर्नमेंट जो भी टैग लाइन मैं जरूर ऐड करवाऊंगी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब इन द फैमिली तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत बहुत मजा आया अब मेरे को ये बताओ जो थी अपने फ्रेंड्स को एक दो लाइन तीन लाइन और फाइनल की कैसे वो तैयारी करे तीन महीने की जर्नी से पहले भी आपका थोड़ा बहुत आपने बेस वगैरह तैयार किया होगा मतलब कितना आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट है मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं अपने आपको इंटेलिजेंट नहीं बोल रही ठीक है मैं स्टूडेंट हूँ नहीं आती थोड़ा बोल एक, रीजनिंग बन जाती है जनरली हर सब यही यही वार्डिंग मैंने, तो से मैंने बात की तो नाइनटी एट स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं रीजनिंग बन जाती है मैथ्स में फंस जाते हैं कैलकुलेशन मुश्किल होती है इंग्लिश में हम कर लेंगे रूल्स लर्न कर करके ठीक है तो ये स्टूडेंट मेरे को कंसिडर करो सारे स्टूडेंट जो देखेंगे वो यही सुनना चाहेंगे की क्या करना चाहिए ठीक है मैम तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है इंग्लिश मैथ्स हो गया कौन और रीजनिंग हो गई इसमें आप पहले ये एनालाइज करोगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो उसमें आप डायरेक्टली मॉक स्टार्ट कर दो अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है उसमें आप मार्क्स लगाना स्टार्ट कर दो किसी किसी स्टूडेंट के क्या पता कि स्कूल टाइम से उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो तो मैथ्स बहुत अच्छा होता है अब मेरे इतने गैप बन गए थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मैथ्स नहीं की थी तो मुझे फिर वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा था स्क्वायर्स लॉर्न किए सारे टेबल्स क्यूब्स वगैरह फॉर्मूलाज सारे पेपर पे लिख लिख के उनको डेली बाइव हार्ट करना है। बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको जब पता है डिटर्माइंड हुआ आपकी आपको ये चीज मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए एक जो होता है ना डिटर्मिनेशन अगर आपने ठान लिया है कि करना ही है तो कोई और आपको फिर दिखेगा नहीं कि हाँ डिफिकल्ट है कि नहीं आप कर लोगे वो अंदर से अपने आप ही पूछ आ जाता है तो आप पहले अपनी वीकनेसेस को एनालाइज कर लो और अगर आप मतलब सपोज जैसे आपकी कॉन्ट बहुत ही वीक है जैसे आप मैम बोल रहे हो कि एकदम बेसिक ही नहीं आता है तो आप ये देखो कि आ, में आपकी स्पीड मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और डीआई आपको सॉल्व करनी चाहिए ताकि आपकी सेक्शन कट ऑफ जो है पंद्रह मार्क्स अगर आपके आ गए पर आपकी रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे क्योंकि मेरे लिए वो वर्क किया है उसी चीज ने वर्क किया क्योंकि मैं कॉन्ट पर यही ध्यान देती थी पंद्रह से बीस क्वेश्चन मेरे सही हो जाए और मैं मतलब अब एवरेज मेरे मार्क्स आ जाए और इंग्लिश में मैं ये बोलूंगी कि किसी किसी की अगर वीक है इंग्लिश तो आप रूल्स पे ध्यान दो और मैक्सिमम मॉक्स लगाओ इंग्लिश में भी आपको अगर ये डर लगता है कि मैं सारा कुछ पढ़ने के बाद ही मॉक्स लगाऊंगी या लगाऊंगा तो गलत है क्योंकि मैं भी शुरू में यही सोच रही थी आर आर बी पी ओ मेरा इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था तो मैं आपको एकदम ऑनेस्टली एडवाइस दूंगी आपने एक चैप्टर कर लिया है टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे आपको उस चैप्टर के दो से तीन टेस्ट मिलेंगे आप उसको सॉल्व करो आप उसमें एम करो कि आपके फुल मार्क्स आए क्योंकि चैप्टर टेस्ट वो बनाए इसीलिए एक चैप्टर कर लिया आपने और धीरे धीरे ऐसे करके आप देखेंगे सेक्शन आपका पूरा एक कौन कंप्लीट हो गया रीजनिंग कंप्लीट हो गया और इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया और फिर आप धीरे धीरे फुल लेंथ पे आ जाइए तो आप अगर ये सोचें कि विदाउट मार्क्स आप एग्जाम क्लियर कर सकते तो शायद वो नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेजरली सारे बच्चे मार्क्स लगाते हैं और उसी से आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो अभी मेंस में मेरे साथ ये हुआ था कि रीजनिंग में पजल्स कभी स्टार्टिंग में आ जाती है कभी एंड में पजल्स आते हैं बीच में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने मॉक्स जब लगाए थे तो कभी पजल मुझे सॉल्व हो जाती थे शुरू में छह मिनट में सात मिनट में फिर मेरे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो रहे थे एक दो में ऐसे हो रहा था कि में पजल्स में मेरे पंद्रह बीस मिनट चले गए तो मेरा पूरा रीजनिंग का पेपर ही बेकार हो रहा था सेक्शन का तो मैंने ये एनालाइज किया कि पजल्स चाहे ईजी हो या कुछ भी हो उसको लास्ट में ही करना है इस वजह से मेरा रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ मेन्स में तो आप इसी के अकॉर्डिंग जितने मॉक्स करोगे जितनी गलतियां करोगे मॉक्स देते टाइम आप उतना ही अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर पाओगे रियल एग्जाम में अगर आप ये सोचोगे कि मुझे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं एग्जाम में हो जाएगा मेरा तो वो चीज़ आप खुद सोचिए एक ही दिन पे आपके पूरे छः महीने की एक साल की मेहनत डिपेंड करती है तो वो रिस्क लेना बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा आपका पूरा एक साल चला जाएगा तो आप ऐसा रिस्क मत लेना आप घर बैठे गलतियां करो बहुत गलतियां करो बट उस दिन के लिए आप कोई गलतियों की कोई गुंजाइश मत मत छोड़ना मैं ये बोलूंगी आपको बहुत बढ़िया तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे घंटे तो बहुत -बहुत भी देते हो लेकिन अगर आप उसको, मतलब सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाओगे तो वो आपकी मेहनत इज तो बेसिक थोड़े क्लियर कर लो शुरू के एक डेढ़ महीना हर कोई कॉन्सेप्ट सीखता है तब तक टाइप टेस्ट नहीं लगाया लेकिन जैसे ही आपका बनने लगे स्पीड बनने लगे तो आप मॉक्स लगाइए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से ज्योति मुझे लगता है ज्योति की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल टीम ऑफ फेसबुक ठीक है ऐसे ही हम घर घर हमारी वजह से गवर्नमेंट जॉब आए इधर कोई हमारी क्लासेस लेके कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करके एनी हाउ अगर ऐसा होता रहे तो कहते हैं ना टेक्स्टबुक भी खुश स्टूडेंट्स भी खुश फैमिलीज भी खुश तो टेक्स्ट बुक हमेशा ऐसे ही चाहता है कि स्टूडेंट्स सिलेक्शन लेते रहें ठीक है तो एंड करेंगे ज्योति थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Okay, Bob, well, thank you.